पॉजिटिव मामला सामने आया। मामला है जवाहर पुंड पिंड नाल संबंधित, जिथे एक सरपंच का जो रिश्तेदार दसया जा रहा है कि वो ईडिया रिपोर्ट अज पॉजिटिव आई है। साढ़े नाल मोहाली के सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह जी। मनजीत सिंह जी, 5 दिन की राहत रही, अज फिर जो पॉजिटिव आया, कौन बंदा है तो किस तरह रिपोर्ट? देखो, किसी भी जगह तो केस आइडेंटिफाई होना एक चंगी गल होंदी है। रीजन ये कि भी वो आपां नूं पता लग गया, जे आपां नूं पता ना लगे तो वह होर सोसाइटी च फैल जाए तो वह गल जिहड़ी होंदी है वह गलत होंदी है। भावें जिहड़ा हैगा बंदा जदों बीमार होंदा वह इदां नहीं, मैं कह रहा भी वह बीमारी चंगी गल है, पर आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड जे अर्ली स्टेज पर पता लग जाए। जवाहरपुर च भी जिहड़े इस जिहड़ा ये मैंबर अज पॉजिटिव आया है, सरपंच साहब का ब्रदर ही है, कमरजीत सिंह, तो 47 साल का है, तो ये पहला साढ़े को नैगेटिव आया सी। साड़ी टीम जिहड़ी हैगी है वह हर आल्टरनेट डे ते सर्वे करती है, तो आल्टरनेट डे ते एक मेडिकल कैंप लगता है, उहदे वजह करके ही सानू जिहड़े केस ने बार बार आइडेंटिफाई हो रहे हैं। जिथे भी कोई सानू सिमटोमैटिक केस लगता है जवाहरपुर तो असी उहदी सैंपलिंग जरूर करते हैं। कल भी इहदे नाल नाल असी 5 होर लोगों के भी सैंपल जिहड़े ने भेजे सी, पर वो 5 नैगेटिव आए ने, ये पॉजिटिव आया। हुण अज होर 25 लोगों के जिहड़े ने साडे सैंपल्स अज साडियां टीमां ने इकट्ठे करके कलैक्ट करके उन्हां नूं भेजिया हैगा PGI विच टैसट करन वास्ते। सो इसी तरीके नाल जे साडे कोल हजूर साहब दे 34 अज मेरिटोरियस स्कूल हैगा इत्थे, उत्थे असी स्टेट जिहड़ी क्वारंटाइन फैसिलिटी है उत्थे असी उन्हां नूं ठहराया सी, ते अज सवेरे साडियां टीमां ने उन्हां सारयां दे सैंपल, उन्हां दे ड्राइवर कंडक्टरां दे सैंपल जिहड़े ने PGI भेज दित्ते ने सारयां दे। ते इसी तरीके नाल 2 स्टूडेंट साडे कोल कोटा तों आए सी, उन्हां दे भी असी सैंपलिंग करके जिहड़ी है भेज दित्ती है। तो इस तरीके नाल इन नाल ही एक 3 अलग आए सीगे हजूर साहब तो, उन्होंने हॉस्पिटल दाखिल करके उन्हां दी भी सैंपलिंग जिहड़ी है आपां भेज दित्ती है। सैंपलिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ही इस जिहड़ी है डिजीज़ नूं कंटेन करन दा वड्डा हथियार है। जे पर उहदे च इह भी है भी जे किसी नूं कोई माड़ा जिहा भी सिमटम बुखार दा, खंघ दा जां किसी जुकाम का होंगे तो उन्हों अपां नूं जिहड़ियां साडियां हैल्थ फैसिलिटी ते फ्लू कॉर्नरज बने ने उत्थे जाके चैक कराना चाहिए, लुकाना नहीं चाहिए, ताकि जे किसी दे कोई होवे भी बीमारी तो अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करे। असी रोज़ तकरीबन 40-50 सैंपल फ्लू कॉर्नरज तो लै के एहतियात तौर पर PGI भेजते हैं, ताकि जे कोई होवे सानू उसका पहला पता लग जाए। ये नाल नाल आपां नूं जवाहरपुर तो ये सबक भी सीखना चाहिए कि जेड़ा इदां दा जे आपां सोशल डिस्टेंसिंग जा होर जिहड़े एहतियात दे स्टैप आपां नहीं लाँगे जां लॉकडाउन की वायलेशन करांगे तो इस तरह दीआं गल्लां हो सकदियां। ये सारी जवाहरपुर का इतिहास ही है जिहड़ा तो एक किस्म का दस रहा है कि ये उदों वायलेशंस करके ही यह सारा सिलसिला शुरू होया सी। सर, सब तो पहला जिहड़ा मलकीत सिंह दी जिहड़ी रिपोर्ट आ पॉजिटिव आई सी, अज उन्हां दी की स्थिति है ते की हो? जिहड़े अज 3 मरीज़ नूं छुट्टी हुई है, एक नूं PGI चों हुई है, वह मलकीत सिंह ही है, ते उन्हों असी वह ठीक हो गया, ते उन्हों असी मेरिटोरियस जिहड़ा अपना वार्ड बनाया होया इस तरह के जिहड़े केसिस आंदे आ आइसोलेशन वाले उहदे च दाखिल करा दिता। तो इस तरीके नाल 2 होर मरीज़ मोहाली दे जिहड़े एक अब्दुल अजीज है जिहड़ा 3rd सैक्टर का है वह भी ठीक होके आ गया, एक अमनप्रीत लड़की है 17 साल की वह भी जवाहरपुर की है वह भी ठीक होके आ गया। जिहड़े मरीज़ ठीक होके आ गए हैं वह बड़ा वह सारयां लई बहुत वधिया अपील कर रहे हैं कि असी तो चलो बीमार हो गए सी, पर तुसी सारे जिहड़े आ इन्हां इह जिहा चीज़ां तो बचाओ रखो ताकि थानू इस तरह की वो ना उठानी पवे। पर नाल नाल वो ये भी कह रहे हैं कि असी परमात्मा दे शुक्रगुजार हाँ, जिन्ने अकनू मैं इंटरव्यू किया और बड़ा वधिया अरेंजमेंट सी, सानू कोई तकलीफ नहीं हुई। जे बीमारी तो पहली गल तो बचना चाहिए, पर जे किसी नू हो जाए उन्हू हेट भी नहीं करना चाहिए, एक नॉर्मल बीमारी मंगन इनू लैके उन्हू अपना उहदा करिए तो वध तो वध तां कि इहदा जिहड़ा पॉजिटिव सिट्टे आने चाहिए ने, ते ना ये फैलनी चाहिए है ते समाज च। ते पर जिहड़े मरीज़ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
देखो जदों डिस्चार्ज होके आते हैं उन्होंने 14 दिन लई असी क्वारंटीन च रखते हैं अंडर ऑब्जरवेशन, चाहे वह हाउस होम जिथे तो किसी घर च प्रॉपर हैगी है सानू वैन वी आर सैटिस्फाइड भी ये होम क्वारंटीन हो सकती है उन्होंने असी होम क्वारंटीन देने जिथे लगता है जिमें कि जवाहरपुर क्योंकि कंटेनमेंट एरिया से हाले असी पूरा क्लीयर नहीं किया। देखो अज भी पॉजिटिव आया असी बिल्कुल ठीक सी असी इसे करके उन्होंने जी है स्टेट फैसिलिटी क्वारंटीन किया सो दैट वी कैन ऑबजर्व दैन एटलीस्ट फॉर 14 डेज जो बंदा ठीक होने तो बाद भी 14 डेज तक ठीक होंगे तो असी उन्होंने क्लीयर कर दें जो कोई सिमटम आते हैं तो वो रीसैंपलिंग की जाती है। साढ़े सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि अज जो नवा केस आया वह जवाहरपुर के सरपंच का भाई है कमलजीत, जबकि दस दई है कि यदि पहला रिपोर्ट आ जी नैगेटिव आई सी, अज दोबारा जो रीसैंपलिंग की तो वो इन रिपोर्ट आ जी पॉजिटिव आई है। फिलहाल उन्हों का कहना है कि इस मामले जोड़ा पहला सब तो जवाहरपुर के पंच मलकीत जी तो यह जी पूरी 38-39 बंद जी पॉजिटिव चैन बनी है वो भी अज जो PGI तो डिस्चार्ज हो गया। फिलहाल उन्होंने मोहाली के मैरीटोरिया स्कूल से बनाए गए आइसोलैंड वार्ड के रखा गया, 14 दिन उन्होंने उत्थे रखा जाऊगा। उस तो बाद उन्होंने जोड़ा जो राहत का जो सर्टिफिकेट 14 दिन तो बाद जी सैंपलिंग होगी सैंपलिंग के जो उन्होंने रिपोर्ट नैगेटिव आँदी है तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दूगा। पर पिछले कई दिनों तो जो देखा जाए तो मोहाली एक राहत की खबर रही है, पर फिर भी जोड़ा सेहत विभाग या प्रशासन वालों एहतियात तौर पर पूरी जी जवाहरपुर पिंड होवे जां फिर होर एरिया होण उत्थे जिहड़ी आ लगातार जिहड़ी आ सैंपलिंग रखी आ पूरी निगाह रखी हुई आ ते उन्हां नूं जिहड़ा लोक घरां दे विच क्वारंटीन रखे ने उन्हां नूं जिहड़ी आ एहतियात रखण नूं सख्त हिदायतां दित्तियां होईयां ने कि उन्हां दा तां ही बचाव होता जेकर उह रूल नूं मन्नणगे घरां च रहणगे सुरक्षित रहणगे। पर फिर भी कितना कितें मोहाली दे विच जिहड़ी आ हुण पूरे एक्टिव केसों की गिनती 34 आ, फिलहाल जी 64 तक जी गिनती पॉजिटिव मरीजों की पहुँच चुकी आ, जिस तो बाद कितना कितने हूँ राहत की खबर थी, पर अज एक नवा जिहड़ा केस आने जरूर सेहत विभाग द्वारा अलर्ट नज़र आ रहा। मोहाली नूं कैमरामैन मनदीप गौतम वाला गुरदीप बैनीपाल डेली पोस्ट पंजाबी मोहाली।